नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ओर जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पंडित जी की जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मैं सर्वप्रथम अंतोदय के पंडिता जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंतोदय के पंडिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की एक दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए, यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग, कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है, इस समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक ओर जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।